जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, 1 नवंबर 2020 को जो आर्मी जीडी का पेपर हुआ था, यानी सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो आपका पेपर हुआ था, तो उसका ओरिजिनल पेपर मैं आज लाई हूँ। तो ये पेपर है अल्मोड़ा रानीखेत जनरल ड्यूटी पेपर है, ये सोल्जर जनरल ड्यूटी अल्मोड़ा रानीखेत का ये ओरिजिनल पेपर है। तो जिन्होंने भी ये पेपर दिया है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का पेपर आया था, और जिन्होंने पेपर आया था उनको पता होगा कि कैसा पेपर आया था। तो आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर सही आंसर की जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हैं वीडियो को, तो आर्मी का पेपर जो होता है वो लगभग सेम होता है, सेम लेवल का होता है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो सभी का लेवल जो होता है वो सेम ही रहता है। तो इस वीडियो में अल्मोड़ा रानीखेत का जो सोल्जर जनरल ड्यूटी का पेपर हुआ था उसकी आंसर की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया। तो पहले सेक्शन ये है जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन 1 से 15 तक क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के। तो पहला क्वेश्चन है सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया है। तो ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचई, ग्राम वेल या फिर रतन टाटा। तो इसका सही आंसर जिन्होंने भी ए किया है, मार्क जुकरबर्ग, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। और जो ये फेसबुक का निर्माण, तो इसके मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में की 2004 में आया था फेसबुक। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जामनगर, डिगबोई, मुंबई या फिर विशाखपट्टनम। तो इसका सही आंसर जामनगर है, जो कि आपके गुजरात में पड़ता है जामनगर। तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थित है जामनगर में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन संसार का सबसे बड़ा द्वीप .. है। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, क्यूबा, जावा या फिर मेडागास्कर। तो इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो आपने लगभग क्वेश्चनों को सही किया होगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड या फिर फिनलैंड। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया जा चुका है, तो आप पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर है फिनलैंड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपको क्वेश्चन सही दिख रहे होंगे, साफ दिख रहे होंगे अच्छी तरह से। तो अगला क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है गंडक, गोमती, यमुना या फिर सरयू। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सरदार पटेल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई या फिर दिल्ली। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता थे तो ऑप्शन है चंद्रभान, वीरभद्र, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया जा चुका है, अगर आप हमसे जुड़े होंगे अपने क्वेश्चनों को, अपने क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ही सही करके आए होंगे, बिंदुसार। बिंदुसार जो है सम्राट अशोक के पिता थे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन है सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित या फिर आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित। अगला है परोक्ष रूप से निर्वाचित या फिर नामांकित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है जनता द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा या फिर कोसी। तो सरदार सरोवर जो योजना है वो आपके नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, इजिप्ट, नेपाल या फिर मंगोलिया। तो इसका सही आंसर भारत, जिन्होंने भी किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में है थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हरिश्चंद्र, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो K2 जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जयपुर या फिर मुंबई। तो इसका सही आंसर है दिल्ली, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? तो इसका सही आंसर है देहरादून, देहरादून में है भारतीय सैन्य अकादमी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों अब है अगला सेक्शन बी, इसमें जो है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो कि 16 से 30 तक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है कुत्ते के काटने, दूषित भोजन, दूषित पानी या फिर प्रदूषण। तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत डॉट डॉट है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत डॉट डॉट है, तो ऑप्शन है बैटरी, सूर्य, बिजली या फिर घर्षण। तो इसका सही आंसर है सूर्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डॉट डॉट है, तो ऑप्शन है हृदय, यकृत, फेफड़ा या फिर गुर्दा। तो इसका सही आंसर है यकृत, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डॉट डॉट गिरता है, तो ऑप्शन है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आगे की ओर या फिर पीछे की ओर। तो इसका सही आंसर जो है नीचे की ओर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है नीचे की ओर, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी नीचे की ओर गिरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ओ प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस या फिर बी प्लस। तो इसका सही आंसर है ए बी जो है रक्त समूह सर्वग्राही होता है, और इसके अलावा जो ओ रक्त समूह होता है वो होता है आपका सर्वदाता। अगला क्वेश्चन,
मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन है अवतल, उत्तल, साधारण या फिर काला। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है हृदय गति, विद्युत धारा का प्रवाह, है भूकंप या फिर रक्तचाप। तो जिन्होंने भी भूकंप किया है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन दिए हैं मांसपेशी से चमड़ों को, मांसपेशी से मांसपेशी को, या फिर हड्डी से हड्डी को, या फिर मांसपेशी से हड्डी को। तो इसका सही आंसर है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है स्नायु, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है कूलम्ब, एम्पियर, जूल या फिर वाट। तो जिन्होंने भी इसका आंसर वाट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर बची है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या हृदयाघात का कारण है? तो ऑप्शन है रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, रक्त यूरिया या फिर रक्त शर्करा। तो इसका सही आंसर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बनने से जो है हृदयाघात का वो कारण बन सकता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले हमने जबलपुर का जो जीडी पेपर ओरिजिनल पेपर था उसको सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? ऑप्शन है लोहा, तेल, पानी या फिर पारा। तो इसका सही आंसर है पारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक, शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है सोना, टिन, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह है? तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह है ऑप्शन है NU, SD, SO या फिर Na। तो इसका सही आंसर है Na। Na जो है वो सोडियम का रासायनिक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल डॉट डॉट है? ऑप्शन है H2SO3, H2SO4, HCl या फिर HNO3। तो इसका सही आंसर है H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आज के जो सोल्जर जनरल ड्यूटी रानीखेत में, रानीखेत अल्मोड़ा का जो ओरिजिनल पेपर है जिसका पेपर 1 नवंबर 2020 को हुआ है। तो इसकी आंसर की आपको आपने देख लिया होगा जिन्होंने भी पेपर दिया है, और जो तैयारी कर रहे हैं अगली भर्ती की तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका लेवल क्या होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।